थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फेंग अपनी सुप्रीम सॉर्ड एंटेंट टेक्निक का यूज करके लुओ लाओली पर अटैक करता है, पर तभी लुओ लाओली अपने स्काई करंट हैंड से लीन फेंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे गुस्सा होकर लीन फेंग अपने सोल बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए एक के बाद एक लगातार दो सुप्रीम सॉर्ड एंटेंट टेक्निक का यूज करके लुओ लाओली के स्काई करंट हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। अब लीन फेंग की यह पावर देखकर लुओ लाओली काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इस टेक्निक का यूज बस डिवाइन रैलम के लोग ही कर सकते हैं, तो क्या लीन फेंग डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंच चुका है। यह सोचकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने का ऑर्डर देता है, पर तभी लीन फेंग उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर लुओ साउटियांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लुओ लाओली बोलता है, जल्दी हमारे पास यहाँ पर बात करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। तभी लीन फेंग उसके शिप के पास आ जाता है और बोलता है, लुओ लाओली आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से आपको कहीं भी भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद लीन फेंग अपनी कलरलेस मार्शल सोल का यूज करते हुए लुओ लाओली के ऊपर अपने विंड ब्लास्ट टेक्निक से अटैक करता है, जिससे डरकर लुओ लाओली अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, पर लीन फेंग के अटैक के सामने वह शील्ड नहीं टिक पाती है और अब लीन फेंग उस पर स्टॉर्म स्लैश टेक्निक का यूज करके उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद लुओ लाओली वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। यह देखकर लीन फैमिली के सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि लीन फेंग ने लुओ लाओली को हरा दिया जो कि अभी हेवनली मार्शल रैलम पर है। वहीं खड़ा वह पर्सन बोल रहा होता है, इस लड़के के पास काफी खतरनाक शॉर्ट एंटेंट टेक्निक है जबकि इसकी एज अभी काफी ज्यादा कम है। यह सच में एक जीनियस है, एक न्यूट्रल किंग ऑफ शॉर्ट, और अगर यह इसी तरह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता रहे तो आगे चलकर फ्यूचर में यह किंग ऑफ स्वॉर्ड बन सकता है। वहीं जियान युआन भी लीन फेंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि लीन फेंग अभी बस 16 साल का है और उसने अभी यहाँ पर हेवनली मार्शल रैलम के लुओ लाओली को हरा दिया, और मेरे ख्याल से बड़े भाई लिन साउटियान भी अपने इस एज में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। लीन फेंग सच में एक जीनियस है। तभी जेंगनान हंसते हुए बोलता है, अब मेरी लीन फैमिली के पास एक और नया ड्रैगन है। जब मैंने यहाँ पर तुम लोगों के मुंह से यह सुना था कि मेरा ग्रैंडसन सी ऑफ फायर में गिरकर मारा गया, तो मेरी यहाँ पर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और मैं मरना चाहता था, पर मुझे बचाने के लिए लीन फेंग यहाँ पर वापस ही नहीं लौटा बल्कि वह एक ड्रैगन बनकर वापस लौटा है, और यह देखकर वह वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लीन फेंग बोलता है, लुओ साउटियान मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम चुपचाप मेरे ग्रैंडफादर को छोड़ दो। यह सुनकर क्वीन फैमिली का हेड वहाँ पर डर जाता है और बोलने लगता है, लुओ साउटियान अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं लुओ साउटियान भी काफी ज्यादा डरा होता है और बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अब ग्रैंडफादर भी हार चुके हैं तो अब यहाँ पर फाइट करने वाला कोई भी नहीं बचा है। तभी क्वीन फैमिली का हेड बोलता है, तो क्या हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी लुओ साउटियान जेंगनान की ओर हंसते हुए देखता है और बोलता है, हमारे पास एक रास्ता बाकी है। जिसके बाद वह जेंगनान को पकड़कर उसके गले पर अपनी शॉर्ट रख देता है और बोलता है कि लीन फेंग अगर तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की जान को बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से 100 माइल दूर चले जाओ वरना तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी लीन फेंग बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ से 100 माइल दूर भेजना चाहते हो। वही लुओ साउटियान सोच रहा होता है कि लीन फेंग के यहाँ से 100 माइल दूर जाते ही वह सभी लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ से शिप लेकर भाग जाएंगे। वही लीन फेंग को उतनी दूर से वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक वह सभी लोग इस जगह से काफी दूर निकल गए होंगे, जिसके बाद वह सभी वुशैन टेंपल में जाकर छुप सकते हैं जहाँ पर उसका बड़ा भाई लुओ टियानमिंग उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और लुओ टियानमिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तभी जेंगनान बोलता है, लीन फेंग तुम मेरी परवाह मत करो और इन सभी पर यहाँ पर अटैक करो क्योंकि तुम्हारे यहाँ से दूर जाते ही यह सभी लोग भी यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद यह सभी लोग दोबारा हम पर अटैक करने की तैयारी कर वापस लौटेंगे, तो हमें इन्हें यह चांस नहीं देना चाहिए क्योंकि यह सभी लोग बाद में हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तभी लुओ साउटियान जेंगनान को मारकर वहाँ पर बेहोश कर देता है। अब यह देखकर लीन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि मैंने पहले तुम्हें एक चांस दिया था, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को छोड़ देते तो मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस जाने देता, पर वक्त रहते तुमने सही कदम नहीं उठाया तो अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद लीन फेंग उन सभी के ऊपर अपनी हेवनली सोल स्लैश टेक्निक का यूज करता है और इस अटैक के लगते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं जहाँ पर एक ऑरा एनर्जी उन्हें बांध लेती है और अब वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पर बाहर खड़े लोगों को यह सब कुछ देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
वहीं खड़ा वह पर्सन समझ जाता है कि यह लीन फैंग की सोल बॉडी सीक्रेट टेक्निक है। और आखिर लीन फैंग ने इतनी कम एज में यह टेक्निक कैसे सीख ली। और तभी लीन फैंग ईगल साउटियान को उन सभी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद साउटियान अपने स्वॉर्ड फॉर्म में अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर उस शिप पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। पर वह वहाँ पर क्विन म्यूलिंग, लीन साउटियान और जैंग ननान को छोड़कर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को घायल कर देता है। और तभी वहाँ पर लुओ साउटियान होश में आता है, जिसके बाद वह अपनी शिप की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर क्विन म्यूलिंग भी अब काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और तभी लीन फैंग उनके शिप पर आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म। टेन थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग अपनी हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके लुओ साउटियान और उसके सभी साथियों को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसके बाद वह ईगल साउटियान के स्वॉर्ड फॉर्म से सभी पर अटैक करके उन सभी को वहां पर मार देता है, लुओ साउटियान और क्विन म्यूलिंग को छोड़कर। अब जब लुओ साउटियान को होश आता है तो वह अपने शिप की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर यह सभी लोग कैसे मारे गए। और तभी उसके सामने लीन फैंग आ जाता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। अब लीन फैंग लुओ साउटियान की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर लुओ साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि लीन फैंग तुम मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत, अभी भी तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे कब्जे में है, तो अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जान से मार दूंगा। पर लीन फैंग रुकता नहीं है, जिससे गुस्सा होकर लुओ साउटियान अपने स्वॉर्ड से लीन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लीन फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लुओ साउटियान, यह बात यहाँ पर तुम्हें भी पता है कि अब तुम हार चुके हो, तो फिर तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेते। अब लुओ साउटियान दोबारा लीन फैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी लीन फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है इन सब में तुम्हारी गलती है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर लुओ साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तभी लीन फैंग वहाँ पर गॉड्स टैबलेट को मंगाता है और अब वह लुओ साउटियान और क्विन म्यूलिंग को उन गॉड्स टैबलेट में कैद कर देता है, जिसके बाद वह दोनों गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुँच जाते हैं और अब उस जगह को देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लीन फैंग बोलता है, आज से तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह में कैद होकर रहोगे, जिसके बाद वह भागता हुआ अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और अब वह उसे उठाकर स्वॉर्ड टावर के ऊपर लेकर आ जाता है। वहीं जैंग ननान का एक हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, जो देखकर लीन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब लीन फैंग बोलता है, अगर मैं इस जगह टाइम पर पहुंच जाता तो आप कभी इतने ज्यादा हर्ट नहीं होते, इसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी जैंग ननान बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और मैं यह देखकर काफी ज्यादा खुश हूं कि तुम इतने पावरफुल बन चुके हो और मेरी इस खुशी के सामने यह चोट कुछ भी नहीं। तभी जियान युआन भी भागता हुआ जैंग ननान के पास आता है और उससे उसके हालत के बारे में पूछने लगता है। जैंग ननान बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और अभी हमें सिनर की चिंता करनी चाहिए, तो पहले तुम दोनों उसे चेक करो। तभी लीन फैंग बोलता है, ग्रैंडफादर आपको मेरी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरी ओर से यह पिल लीजिए और इस पिल को खाने के बाद आपके मेट्रोडियन स्टेबल हो पाएंगे और आपके हाथ की इंजरी को ठीक करने का रास्ता मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। तभी जैंग ननान दोबारा बोलता है, लीन फैंग तुम्हें सिनर पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर लीन फैंग उसे बताता है कि सिनर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वह बस ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो गई है, जिसके बाद जियान युआन जैंग ननान को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ईगल साउटियान अपने स्वॉर्ड फॉर्म से वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि आपकी छोटी बहन की ब्लड लाइन काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि आप भी उसे फाइट करके नहीं जीत सकते हो। तभी लीन फैंग बोलता है, मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि क्या सिनर की सुरा ब्लड लाइन किसी एशियन क्लैन से उसके पास आई है। तभी ईगल साउटियान बोलता है, आपकी छोटी बहन अभी काफी ज्यादा यंग है और उसकी कल्टीवेशन पावर भी अभी काफी ज्यादा कम है, पर अगर यह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर गॉड रैलम तक पहुंच जाए तो यह हेवनली क्लाइमेट पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है, जिसके एक ही अटैक से यह हजारों लोगों को जान से मार सकती है। पर सिनर की ओरिजिन पावर काफी ज्यादा अजीब है, जिस वजह से वह कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद यह किसी पर भी अटैक करके उसे जान से मार सकती है। वहीं पर फेनयान साउबाई पर बैठी उसी जगह पर उड़ रही होती है और तभी वह स्वॉर्ड टावर की ओर किसी पर्सन को काफी तेजी से जाते हुए देखती है। वहीं दूसरी ओर साउटियान भी लीन फैंग को बताता है कि कोई काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन इस ओर काफी तेजी से आ रहा है और यह पर्सन वही होता है जो लीन फैंग की पावर देखकर यहाँ तक आया होता है, जिसे देखते ही लीन फैंग साउटियान को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लीन फैंग बोलता है, आखिर तुम कौन हो। अब वह पर्सन बोलता है कि मैं साउथर्न क्वीन ज़ाओ के सात सबसे पावरफुल सेक्ट्स में से एक का एल्डर हूँ और मेरा नाम जियान बाई चैंग है।
अब जियान बाई चैंग का नाम सुनते ही लिन फेंग को याद आता है कि इसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था। तभी प्रेजेंट टाइम में ईगल साउटियान बोलता है, मास्टर जियान बाई चैंग एक हेवनली स्वॉर्ड मास्टर है और यह अभी डिवाइन मार्शल जालम पर है। जो सुनते ही लिन फेंग जियान बाई चैंग के सामने बो डाउन करता है। तभी जियान बाई चैंग बोलता है, मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ही हो स्वॉर्ड किंग लिन साउटियान के बेटे लिन फेंग। लिन फेंग हमें जवाब देता है। यह सुनते ही जियान बाई चैंग बोलता है, तुम्हारे फादर ने अपने दम पर इस पूरे कॉन्टिनेंट में अपना नाम बनाया और पिंगटियान स्वॉर्ड किंग के नाम से फेमस हुए और वह सच में काफी ज्यादा फेमस और स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और यहाँ पर मैं तुम्हारे अंदर भी वही क्वालिटी देख सकता हूँ। तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं यह शर्त के साथ कह सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। यह सुनकर लिन फेंग उसे थैंक्स करता है। तभी वह बोलता है, हमारे कॉन्टिनेंट में मौजूद 7 सेक्ट्स में से तुम्हारे फादर ने मार्शल गॉड हॉल को चुना था और इसका रिग्रेट मेरे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को आज तक है, पर आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और तुम्हें अपने डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में इनवाइट करना चाहता हूँ। तभी लिन फेंग को याद आता है कि बाईहोंग ने उससे कहा था कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट एक काफी पावरफुल सेक्ट है और इस सेक्ट के पास कई सारे एशियन टेक्निक्स है और अगर कभी फ्यूचर में लिन फेंग इस सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो इससे उसकी कल्टिवेशन में उसे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वही लिन फेंग यह सब बातें याद कर ही रहा होता है कि तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर आप क्या सोच रहे हो, जल्दी से हाँ कर दो, वह सेक्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी लिन फेंग उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनकर जियान बाई चैंग काफी खुश होता है। तभी लिन फेंग बोलता है कि यहाँ पर मेरी छोटी बहन अनकॉन्शियस है तो आपके साथ चलने से पहले मैं इसे यहाँ पर ठीक करना चाहूंगा। अब जियान बाई चैंग सिनर को देखता है और तभी वह सिनर की पॉइजन पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह लिन फेंग से उस बारे में पूछने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।